तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं ट्विस्टेक चैनल। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ओरियो मोड का जिप जो कि वर्क करेगा सारे नोगा डिवाइसेस में, और साथ में आपके लिए मैं लेके आया हूँ गूगल फोटो का अनलिमिटेड स्टोरेज। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैं अभी उस जिप को प्लेस कर चुका हूँ और मैं आपको अपना पहला एंड्रॉयड का वर्जन दिखा देता हूँ। आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा अभी एंड्रॉयड का वर्जन है 7.1.2, और आप अभी देख पा रहे हैं कि हमारा जो लुक है वो कम्प्लीटली ओरियो जैसा है। आप सेटिंग में भी आकर देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा जो लुक है वो कंप्लीट ओरियो जैसा है। और यहाँ पर अभी देखते हैं, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। अगर आपको कहीं पे अगर मेल करना हो तो आप सीधा यहीं से ही आप मेल भी कर पाओगे, और आपको कहीं अपना फ़ोटो देखना हो तो आप यहीं से फ़ोटो भी देख पाओगे। ये 3D इफेक्ट भी आपको देता है, और मैंने आपको बोला था कि इसमें गूगल फोटो का अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा आपको, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जाते हैं सेटिंग में और हमारे बैकअप में, और जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, और साथ भी हमें गूगल लेंस का भी इसमें सपोर्ट मिलता है। जैसा कि मैं अभी इस फोटो को खोलता हूँ, और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ देर थोड़ा सा टाइम लगाएगा और आपको इस फोटो में जो भी रहेगा इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखा देगा। तो दोस्तों यही है गूगल लेंस। तो दोस्तों इसको प्लेस करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके फ़ोन में TWRP होना ज़रूरी है, और अगर आपके फ़ोन में TWRP है तो सेकेंड है एक ओरियो मोड का फाइल जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों ये जो जीप है ये मेरा नहीं है, मैंने इस जीप को कहीं से लिया है और इसको मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि हम इसको इसमें कैसे फ्लैश करते हैं और हम इसका पूरा मज़ा कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा प्रोसेस दिखा सकूँ अच्छे से। तो मैं जाता हूँ TWRP मोड। तो फ्रेंड्स अब हमारा फ़ोन हो चुका है एकदम नॉर्मल। अब इसमें आप भी देख पा रहे हैं इसमें कोई भी ना ओरियो का मोड है ना ही कुछ भी है, और यही वो जो नॉर्मल सा आइकन होता है हमारा यही उसी टाइप का है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप सक्सेसफुली ओरियो मोड जो है इंस्टॉल कर पाए और गूगल का जो फ़ोटो है उसमें भी आप अनलिमिटेड स्टोरेज ले पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक जिप फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कौन सा जिप फाइल है। तो दोस्तों ये है वो जी फाइल जिसको मैंने इसको मॉडिफाई किया है। तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं TWRP मोड में, हम जाते हैं रिकवरी में। आपको जाना है इंस्टॉल पे, और आपको उस वाले और आपने जहाँ पर उस जीप को डाउनलोड किया है, मतलब आपने जो ओरियो मोड का जीप है उसको जहाँ पर भी डाउनलोड किया है आप उसको फ्लैश कर लीजिए।
मेरा भी फ्लैशिंग हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें लगभग 2 से लेकर 5 मिनट तक इसमें लग जाता है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है फ्लैश, अब इसको हम वाइप कर देते हैं और हम रिबूट सिस्टम को क्लिक करते हैं, डू नॉट इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ पे बूट एनिमेशन भी चेंज हो जाएगा, वो आप थोड़ी देर बाद देख ही पाओगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन अभी फाइनली बूट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर पे। और फ्रेंड्स, हमें अपना जो फोटोज है उसको हमें अपडेट कर लेना है। इसको हमें अपडेट कर लेना है। तो हमारा अभी अपडेट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो है अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है ऐप्स में। आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और फ़ोन पे आपका ये जो सेकंड वाला जो फ़ोन है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फर्स्ट वाला भी यूज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेकंड वाला को सिलेक्ट कर ले। और यहाँ से आपको जाना है ये जो सबस्ट्रैटियम का जो दिख रहा है आपको, आपको ये आप जब इस जिप को जब फ्लैश करोगे तो आपको ये प्रीस्टोर मिल जाएगा। आपको स्किप कर देना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको सारी परमिशन दे देने हैं। यहाँ पे आप हाइट आउटडेटेड थीम पे क्लिक करोगे तो आपको एक दिख जाएगा एंड्रॉयड ओ के नाम से। आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे सब पे सिलेक्ट कर देना है और बिल्ड एंड इनेबल पे क्लिक कर देना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये हमारा हो रहा है अभी। तो यहाँ पर कुछ एरर्स हो रहा था, इससे कोई हमें मतलब नहीं है फ्रेंड्स, वो कोई हमें इशू नहीं देगा। तो जब आप इसको जब आप खोलोगे तो आप देखोगे कि आपका जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा। जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे हैं, आपका जो ये जो आइकन्स है ये भी चेंज हो चुका है। तो पहले मैं इसको मैं पूरी चीज़ का सेटअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन अभी फाइनली सेटअप हो चुका है और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं हमारा जो ओरियो मोड है वो भी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। और हमें अब जो फाइनल चीज़ है वो हमें गूगल फोटो का अनलिमिटेड स्टोरेज लेना है। उसके
तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय।